उन्होंने अपनी पूरी लाइफ पावर लूम के लोगों के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए, उसकी खिदमत के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगाई। हमने बहुत बड़े बड़े काम किया है, पावर लूम के ताल्लुक से, बिजली बिल के ताल्लुक से, एजुकेशन के मामले में, हर मामले में हमने काम किया है शहर का। एक ज़माना था आप पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन देखते देखते जो है आप पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर चले गए, तो उसका क्या हुआ? और हम अक्सर पेपरों में अपना ये एडवर्टाइजमेंट नहीं देते थे, ये हमारी कमी थी, लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन आज इस प्रोग्राम ने लोगों को बता दिया है मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, कैसा कैसा काम किया हूँ। नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करो, और तालीम हासिल करने में ऐसे बनो IPS IAS ऑफिसर के रैंक के तुम काम करो, और इम्तहान उनका दो, कामयाब हो और आगे के लिए अपना समझो देश की खिदमत करो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है किड्स प्ले जोन, जहां बच्चों को खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन, सैंडपिट, बॉल पुल, स्लाइडिंग, बॉक्सिंग बैग और बहुत कुछ है। मोबाइल एडिक्शन से दूर बच्चों की चुस्ती, फुर्ती और तंदुरुस्ती के लिए आज ही विजिट कीजिए किड्स प्ले जोन एट 249A फर्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट टू टिप टॉप स्वीट्स, कल्याण नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दावाजिस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी GM वुमेन्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में। यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, प्रोग्राम था फैज़ान आज़मी साहब, जो कि भिवंडी के एक बहुत ही सीनियर, हम कहेंगे एक सोशल वर्कर है, साथ साथ में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ पावर लूम के लोगों के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए, उसकी खिदमत के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगाई। तो आज उनके 80वें जन्मदिन पर, मतलब कितने आज उनकी 80 साल की उम्र हो गई है, तो उसके जन्मदिन के ऊपर यहाँ पे भिवंडी सेवा समिति ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था, उनके फेलिसिटेशन का, उन्हें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया। तो उस प्रोग्राम के लिए भिवंडी की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बॉम्बे से भी जो उनकी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, वो सारे जो है यहाँ पे आए हैं उनकी क्या कहेंगे गुलपोशी के लिए, उनके प्रोग्राम के लिए, उनके फेलिसिटेशन के लिए यहाँ पे सारा एक कार्यक्रम रखा गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पीछे यहाँ पे उनका फेलिसिटेशन का प्रोग्राम लगातार चल रहा है, काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम रखा गया था। और यहाँ पे हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा उनका ये 80 साल का सफ़र। तो दोस्तों, हमारे साथ में फैज़ान आज़मी साहब है, जिनके आज 80 साल पूरे हुए, उनकी उम्र के 80 साल पूरे हुए, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे काफ़ी हमने देखा, हमने जैसे आपको बताया कि काफ़ी जो है प्रोग्राम एक ज़ोर शोर से रखा गया था उनके फेलिसिटेशन में। तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे कि थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये जो आपका सफ़र रहा, जैसे कि 50 साल का जो है आपका सफ़र कहते हैं कि इसमें पावर लूम इंडस्ट्री में या भिवंडी की खिदमत में, तो ये बताइए कि कैसा रहा ये सफ़र आपका 50 साल? सफ़र देखिए बहुत अच्छा रहा, और लोगों ने अपनी मदद भी किया है, हमने बहुत बड़े बड़े काम किया है, पावर लूम के ताल्लुक से, बिजली बिल के ताल्लुक से, एजुकेशन के मामले में, हर मामले में हमने काम किया है शहर का। और हम अक्सर पेपरों में अपना ये एडवर्टाइजमेंट नहीं देते थे, ये हमारी कमी थी, लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन आज इस प्रोग्राम ने लोगों को बता दिया है मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, कैसा कैसा काम किया हूँ। एक ज़माना था आप पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन देखते देखते जो है आप पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर चले गए, तो उसका क्या हुआ? नहीं, क्या है पॉलिटिक्स में, हमारे भिवंडी शहर की जो पॉलिटिक्स है वो मुझको सही मानो में अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं दूर हो गया, मैं अभी ऊपर लेवल पर हूँ अभी।
क्योंकि कैसा है कि आज जी जो हालत भिवंडी में है, और आप जैसा आदमी अगर अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव होता तो भिवंडी की आज हालत कुछ और होती? हालत तो क्या है, जो काम है काम करने के लिए हम तैयार हैं, भले पॉलिटिक्स नहीं लेकिन और जो काम लोगों का होता है वो काम करते रहते हैं। और अपनी ज़िंदगी शायद इसीलिए है कि मैं लोगों को काम करता रहूँ, लोग काम करते रहे, आज तक कोई काम वापस नहीं हुआ है, और आइंदा भी ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि जब तक हाथ पांव चलते हैं मैं काम करता रहूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और मैं एक कहूँगा कि जो आपकी ज़िंदगी थी एक लोगों के लिए एक मिसाल है, तो आप जाते जाते जो है एक नौजवानों के लिए क्या बात? देखिए, नौजवानों को लिए सिर्फ एक कहना चाहता हूँ, आज की ज़िंदगी जो ठीक है, हम लोग जो हो गए हैं ठीक है, लेकिन आने वाला जो टाइम है, आने वाले टाइम में बग़ैर तालीम के हमारे नौजवान कभी कोई तरक्की नहीं कर सकता, ना देश तरक्की कर सकता। इसलिए नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करो, और तालीम हासिल करने में ऐसे बनो IPS IAS ऑफिसर के रैंक के तुम काम करो, और इम्तहान उनका दो, कामयाब हो, और आगे के लिए अपना समझो देश की खिदमत करो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने, इन्होंने भी जो एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है, और वाकई में आज एजुकेशन जो है ये हमारे माशरे के लिए बोलो या हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेहमान, दवाई दूसरे, थैंक यू।